नहीं, वो सब तो ठीक है समधी जी, लेकिन एक बात कहना तो हम भूल ही गए। नहीं घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से करें। आगे का डायलॉग बोलो ना। ओ पान पराग शौकीन है, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। पान पराग के शौकीन हैं। माफ कीजिएगा समनी जी, जब से लौंडा पैदा हुआ है तब से ये इच्छा थी कि उसके ससुराल वालों के सामने ये लाइन जरूर बोलूंगा। ये असल में बड़े जॉली टाइप के हैं ना, एक पैक के बाद तो पूछिए मत। समनी जी, शम्मी जी के एड इनको याद है, आपको नहीं याद है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना भाई साहब, मैं शम्मी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या सॉलिड बंदा है यार, आज भी क्या दिखता है। नहीं आज नहीं दिखते हैं वो। क्यों, पास आउट हो गए ना? ए, नहीं, नहीं। हाँ जी, हाँ, दो तीन साल पहले। नहीं नहीं बहन जी, 8-9 साल हो गए। अच्छा, कमाल है, मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या है? धागा है मुझे, पता है, मुझे लगता है हमें ना नजर लग गई है। 4 दिन हुए नहीं हुए मसा मसा। आपको क्या लगता है, मुझे इन सब चीजों पे विश्वास है? एक बार फिर से ट्राई करें उधर। अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अब आप फॉर्मेलिटी थोड़ी ना पाल सकते हो, कभी ना कभी तो हमें करना पड़ेगा ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। आइए समझिए, ये देखिए छत है, इसे एक्सटेंड करवा दूंगा। अच्छा, और यहाँ पर टॉयलेट जो है उसको अटैच करवा दूंगा। तो फिर आप ये एक्सटेंड करा देंगे तो फिर भाभी जी कपड़े कहाँ सुखाएंगे? ओ जी आप टेंशन मत लो जी, आजकल के बच्चों को बालकनी में कच्चे कुच्चे सूखते हुए अच्छा नहीं लगता। तो ये बनेगा ड्राई एरिया, फुल टेक्नोलॉजी, पुली सिस्टम, पुली डाउन, कच्चे अप, कोई नहीं देख रहा जी, पुली अप, कच्चे डाउन, सूख गया जी, पहन लो। बहुत अच्छा है। मम्मी से बात की? अच्छा पापा से? त्यागी दुग्गल किसी से तो बात की होगी। मुझे इसके बाप बनने वाला सबको बताता फिरू। फालतू में सीन क्रिएट ना करो, कह रहा हूं मैं सॉल्व कर लूंगा, मूड नहीं बना, जगह गलत थी। क्या जगह गलत थी? नहीं बना मूड बहन, सॉरी सॉरी सॉरी। कितनी बार सॉरी बोलोगे, कितनी बार सॉरी बोलोगे आप? आज बोल रहे हो जगह गलत थी, कल बोलोगे लड़की गलत थी। सही है मुदित। ओ भैया कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? भैर के फोड़े तमीज में रह ले, बावड़े कर लूंगा तेरे में खड़े खड़े। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, सुन रहे हो ना, तो आप SMS कर लेना, ठीक है? वैसे ही फटीचा मोहल्ला है आपका। खुश रहे, शाबाश, बस खुश रहो। हरिद्वार में शादी करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। अरे डेस्टिनेशन वेडिंग का तो जमाना है आजकल। अरे बारात में लोग भी कम आएंगे और जो आएंगे उनके पाप भूल जाएंगे। एहसान चाहिए ही नहीं भाई साहब का। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अरे उनका गुल्लू आया था कि नहीं एंट्रेंस एग्जाम के लिए? कितनी गंदी गंदी बनियाने धोई थी मैंने उसकी, और उस हवेली में हमारा भी तो हक है यार। मम्मी यार टीवी देखने दो। हाँ मम्मी ये देख 40 नंबर आया मैथ्स में और बैठा टीवी देख रहा है। और इसको हाँ तो 70 लाख मैंने क्या उखाड़ लिया मम्मी? बाहर पार्किंग की जगह नहीं है पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम याद है। ऑफिस में प्रमोशन नहीं हो रही पर मुझे पूरी अलजेब्रा आती है। हट, टट्टू तोते की तरह सब कुछ याद दिलाने की बजाय उन्हें ये सिखाना चाहिए था लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है मेरा? क्या बात दीदी, चुप कर, चुप, उल्लू का चरखा। बदतमीज, मैं रात को बात करती हूँ। गीले मेरे अधरों को फिर उसने चूमा, चिप 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 चिप, सूखी धरती पे मैं बारिश सी बरस गई, टिप 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 टिप। वो रात पता है ना डॉली आंटी का ड्राइवर खड़ा रहता है नीचे, धीरे बोलो ना। वो रात मुझे आज भी याद है, सहम गया था मेरा सीना जब सालों से सूने पड़े गुफाओं के सन्नाटे को उनके एक तीर ने छीना। सुहागरात पे लिखी थी मैंने ये, तेरे पापा बहुत जेंटल थे, कुछ ज्यादा ही थे। छी मम्मी,
मुझे नहीं सुननी आपकी कहानियाँ। प्लीज आप जाओ यहाँ से, देखो किन्नी आने वाली है। किन्निया हजार मिलेंगी, मम्मी एक ही है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन दे रही हूँ, ले ले। सेक्स तो बोलना नहीं चाहता आपसे, खाक एजुकेशन दोगे आप? हाँ कैसे बोल लेती है तू। सुन देख सुकू, क्या है ना, तू समझ नहीं रही है मैं क्या कह रही हूँ। देख बेटा, ये जो औरत का शरीर होता है ना, ये जो है एक रहस्य का खजाना होता है, और ये एक बंद गुफा में रहता है। और ये गुफा कब खुलती है पता है? जब कोई खुल जाए, सिमसिम बोलता है मम्मी। नहीं 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 नहीं, सुहागरात वाले दिन खुलती है, और 40 चोर के लिए नहीं खुलती, सिर्फ अली बाबा के लिए खुलती है। और अगर अली बाबा गुफा तक पहुंचे ही ना तो? अली बाबा क्यों नहीं पहुंचेगा, उसका तो जन्म ही गुफा में पहुंचने के लिए हुआ है। पहुंचेगा मम्मी, इस एजुकेशन की जरूरत ना अली बाबा को है, गुफा को नहीं। आइए आपकी बात समझ। आप जाओ बेटा, गुफा में मम्मी प्लीज जाओ, आप जाओ, नहीं आगे आप चलो। अरे सुन बेटा, अली बाबा जो है ना, तो समझ नहीं रही। नमस्ते आंटी, लेकिन मेरी बात सुन ले। ये अली बाबा गुफा तक क्यों नहीं पहुंचेगा जी? आए हाय कमीनी, शादी से पहले तेरी तो चाल ही बदल गई। चाल बदल गई है मेरी? हाँ, यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तुझे मेरी चाल बदली हुई लग रही है। क्यों? किन्नी मुद्दत को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एड्स? तू पागल है? एड्स हो गया, भगवान ना करे। चेंस प्रॉब्लम। किसने तुझे बताया? बताने की कोशिश की पर बता नहीं पाया बेचारा, पर पता है मैं समझ गई, और मुझे लगता है कि उसे पता है कि मैं समझ गई। क्या कह रही है, कैसे समझाऊं मैं तुझे?